नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, 26 मार्च और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, फेसबुक इंस्टाग्राम के घंटे तक डाउन रहा। देश में फेसबुक और इंस्टाग्राम का कारोबार हुआ ठप। मोबाइल पर सेशन एक्सपायर बता रहा था, लोगों को भी हुआ बड़ा नुकसान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम मंगलवार रात करीबन 9 बजे के आसपास डाउन हो गए। करीब 1 घंटे के बाद फेसबुक की सर्विस चालू हो गई। इसी बीच फेसबुक कंपनी के मेटा ने खुद स्थिति स्पष्ट की कि दोनों प्लेटफॉर्म पर मुश्किलें आ रही है, यूजर्स को समय का इंतजार करें। यूजर्स को लॉगिन और फीड रिफ्रेश करने में दिक्कत आने लगी थी। फेसबुक पर यूजर्स के अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गए थे, जबकि इंस्टाग्राम पर यूजर्स नए फीड्स को भी रिप्लेश नहीं कर पा रहे हैं। लॉगिन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म से यूजर्स के लिए व्हाट्सएप और ईमेल पर रिकवरी भी कोड है वो भेजे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोड नहीं लग पा रहे थे। 2 साल पहले भी 6 घंटे तक लगातार फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद रहे थे। उसके बाद ये सबसे बड़ी दिक्कत मंगलवार देर शाम को आई है। और इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, ओडिशा में पीएम मोदी का बड़ा बयान का, जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था उसकी गारंटी मोदी ने ले ली। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार ने ओडिशा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था उसकी गारंटी आज मोदी ने ले ली है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार आंकड़ा होना चाहिए। इसी के साथ ही आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पीएम का 10 दिन के अंदर 12 राज्यों का दौरा है, उसमें से आज वे 6 मार्च को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ी खबर है। इसके लिए नई पॉलिसी जारी। सीएम भजनलाल बोले, सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट जैसी सुविधाएं मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षक तबादलों के लिए नई तबादला नीति बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शिक्षकों के अनियमित तबादले हो रहे हैं, उनके कारण स्कूलों में पढ़ाई बच्चों की बर्बाद हो रही है। इस समय का समाधान निकालने के लिए शिक्षा विभाग एक नीति लेकर आ रहा है, इससे शिक्षकों का योग्यता के आधार पर और सही समय पर तबादला हो सकेगा। सीएम ने साफ तौर पर शिक्षा विभाग से जुड़ी 100 दिन की कार्य योजना की समीक्षा बैठक में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों और सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी साधन उपलब्ध होंगे तो साधारण आदमी के बच्चों को भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक की बहुत कठिन परीक्षा पास करने के बाद नौकरी लगती है, उनमें विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने की पूरी क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि जहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ ज्यादा शिक्षक लगाए जाएंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10 मार्च से हड़ताल पर चले जाएंगे पेट्रोल पंप के संचालक, एक बार फिर चेतावनी, वैट कम करें अन्यथा डीलर कमीशन बढ़ाए सरकार। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा है कि सरकार लंबे वक्त से वैट कम करने में कटौती नहीं कर पा रही है, साथ ही डीलर्स के कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। इस संबंध में प्रदेश भर के पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों ने एक बार फिर से 10 मार्च से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए वैट की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च से हड़ताल पर हमने जाने का फैसला किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, महिलाओं को सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा, राजस्थान में 8 मार्च को कई जगहों पर फ्री में एंट्री। दरअसल 8 मार्च के दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे राजस्थान में कई स्थानों पर एंट्री की अनुमति प्रदान की है। सीएम भजनलाल की ये सौगात है, इस बारे में राजस्थान की महिलाओं में जानने की उत्सुकता बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखकर सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा तोहफा देते हुए 8 मार्च को महिलाओं का राज्य के स्मारकों एवं संग्रहालयों में भ्रमण को निःशुल्क करने का फैसला लिया गया है। महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश की हजारों महिलाएं और बालिकाएं इन स्थलों का भ्रमण करके लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही 8 मार्च महिलाओं को निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा।
हालांकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है, आज भी बराबरी के हक के लिए महिलाओं को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री में सफर मिलता रहा है। जब वसुंधरा राजे की सरकार होती थी तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वसुंधरा राजे का यहाँ पर 8 मार्च को जन्मदिन भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और ऐसे पहले आपको बता दें कि महिलाओं को फ्री में रोडवेज बसों के अंदर सफर का सूट लाभ मिलता था। वहीं प्रदेश की अली बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 365 आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की दी मंजूरी। आंगनबाड़ी पर नया अपडेट आया है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आंगनबाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राजस्थान की 365 सामान्य आंगनबाड़ी अब आदर्श आंगनबाड़ी बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस संबंध में मंजूरी दी है। आंगनबाड़ी पर यह सबसे बड़ा नया अपडेट है। नरेंद्र मोदी की गारंटी को साकार करने के लिए अब डिप्टी सीएम ने यह बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की 365 सामान्य आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा और इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना पर नया अपडेट, 30,408 नए आवासों को मिली सरकार की ओर से मंजूरी। सीएम जलाल शर्मा ने प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो अंतर्गत शहरों के अंदर आवास है उनके लिए 30,408 नए आवासों को सरकार ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक ने दिल्ली में यह बड़ा फैसला लिया है। बैठक में पीएम आवास योजना शहरी के तहत नए आवासों को स्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे में शहर में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी खबर है कि अब उन्हें आवास मिलेगा, इसके लिए सरकार ने मंजूरी दी है। बैठक में सभी राज्यों के स्वायत्तशासन अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, यूजीसी की नई गाइडलाइन, छात्र अब पढ़ाई के साथ कर सकेंगे कमाई, मिलेगा क्रेडिट। विश्वविद्यालय क्रेडिट योजना को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल अब स्नातक के छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पेशेवर तरीके से उन्हें जोड़ा जाएगा। उन्हें इंटर्नशिप में नैतिक मूल्य, व्यवहार, ईमानदारी सिखाई जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आए। दरअसल आपको बता दें कि अब कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी कमाई कर सकेंगे। स्नातक छात्रों को पेशेवर तरीके से अब तैयार करना होगा। कमाई बीमा के साथ क्रेडिट डिग्री से भी जुड़ेंगे। 3 वर्षीय डिप्लोमा और 4 वर्षीय ऑनर्स, 4 वर्षीय ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम के छात्रों के लिए 100वें वर्ष से इंटर्नशिप शुरू की जाएगी और उन्हें इसमें 8 से 12 क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इंडस्ट्री को छात्रों को इंटर्नशिप के बदले पैसे और बीमा सुरक्षा भी देनी होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नाराज किसानों को जुटाने में जुटी कांग्रेस, पंचायत स्तर पर चलाएंगे किसान जागृत अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर, एमएसपी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों की नाराजगी को भुलाने की कवायद कांग्रेस ने तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से हर पंचायत स्तर पर किसान जागृत अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत किसानों से संवाद करके उनसे समर्थन मांगा जाएगा। इस संबंध में अशोक चांदना ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को अब रिझाने में कांग्रेस जुट चुकी है, पंचायत स्तर पर किसान जागृत अभियान करवाए जाएंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस ने कई सीटों पर किए नाम तय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर नई दिल्ली में मंगलवार को हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे चली इस मैराथन बैठक में आधा दर्जन सीटों पर सिंगल नाम को लेकर लगभग सहमति बन गई है। इसके अलावा ज्यादातर सीटों पर 2 नामों के पैनल पर भी चर्चा हुई है। कुछ सीटों पर अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए, वहीं जहां भाजपा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है उनमें से कुछ सीटों पर 1 नाम पर लगभग सहमति बन गई है। ज्यादातर सीटों पर अभी भी 2 नाम के पैनल हैं। इन नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी आखिरी मंथन करेगी। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की स्कूलों में बच्चों को परोसे जाएंगे अब मिठाई और फल। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील के लिए दानदाता संस्था और विशिष्ट जनों के लिए एक द्वार खोल दिया है। ऐसे में मिड डे मील के लाभार्थी बच्चे स्कूल में अब फल, शहद और मिष्ठान, दूध, दही, गुड़ और मूंगफली, चिक्की आदि का भी लाभ उठा सकेंगे। श्री कृष्ण भोग योजना शुरू कर दी गई है। राज्य में पीएम पोषण योजना मिड डे मील राजकीय विद्यालयों की कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को भोजन करवाया जाएगा, जिसमें मिठाई से लेकर फल तक शामिल है। अपनों की खुशियां स्कूल में बांट सकेंगे सभी आम आदमी। वहीं प्रदेश की अली बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर बड़ा फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने पेपर लीक के आम तौर पर कई प्रमाण सस दिए हैं, कार्रवाई को लेकर एसओजी ने मुझे आश्वस्त किया है। कॉपी में लिखा कुछ नहीं और नंबर भरपूर दिए जा रहे हैं। आरएस परीक्षा को लेकर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है,
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी है, ये गंभीर लापरवाही है। वहीं इधर से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में जांच दायरे से मिलूंगा। एसआई भर्ती परीक्षा एसओजी ने 40 आरोपियों के खिलाफ अब तक केस दर्ज किया है, उनमें से 15 को डिबार कर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मोदी की गारंटी की हवा निकाल रहे हैं भजलाल, बोले सीएम गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने भजलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में मैंने गैस सिलेंडर देना शुरू किया था, जिससे करीब 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। विधानसभा चुनाव की आसार संहिता लगने के कारण हमारी स्कीम में दिसंबर में सब्सिडी ट्रांसफर रुक गई थी। भाजपा ने चुनावों में 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने की गारंटी भी दे दी एवं स्कीम लागू करने की झूठी वाहवाही लूट ली, परंतु आज तक कनेक्शन धारियों के बैंक के खातों में सब्सिडी नहीं पहुंची है। सीएम गहलोत ने यह बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी कीमतों में अब गैस सिलेंडर की कीमतें भी न घटाकर राजस्थान सरकार मोदी की गारंटी की हवा निकाल रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीकानेर में अचानक हेयर सैलून पर पहुंचे सीएम भजनलाल, कटवाए अपने बाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक से एक नाई की दुकान पर पहुंच गए। इसी दौरान उन्होंने बाल कटवाए। सीएम भजनलाल के अचानक से हेयर सैलून पर पहुंचने से राजस्थान के आम आदमियों में उनकी और सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक सामान्य ग्राहक की तरह सीट पर बैठकर उन्होंने बाल सेट करवाए हैं, इससे आम मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गलत खून सटाने के मामले में सचिन पायलट ने लिया एक्शन। उन्होंने बड़ा बयान दिया, गलत खून सटाने से युवक की हुई थी पिछले दिनों मौत। सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में गलत खून सटाने से युवक की मौत के मामले में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा कि परिजनों को आर्थिक मदद की राशि बढ़ाने और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग सचिन पायलट ने की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड में राजस्थान के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे 8 लाख नए नाम। राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि NFSA के पोर्टल के माध्यम से 8 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे। इस अद्यावधि की योजना के तहत NFSA के पोर्टल के माध्यम से 8 लाख नए लोगों को राशन कार्ड के दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही 4.50 लाख दिव्यांगों को भी NFSA के पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस समाचार की घोषणा के बाद राजस्थान के आम आदमियों में सीएम भजनलाल की ओर सम्मान बढ़ा है। इसकी जानकारी खुद खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्य मंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि 8 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने को लेकर भी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बुलाई गई है। जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आज की जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, RLP कांग्रेस गठबंधन की अंतिम दौर की वार्ता शुरू। नागौर और बाड़मेर की सीट पर बनी शांति। अंतिम दौर में हरीश चौधरी को मनाने की कोशिश पहुंची फाइनल स्टेज पर, देर रात तक हो सकती है बड़ी घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर, RLP और कांग्रेस गठबंधन में अंतिम दौर की वार्ता शुरू हो चुकी है। नागौर और बाड़मेर की सीट पर समझ लगभग तय मानी जा रही है। अंतिम दौर में हरीश चौधरी को मनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फ्री निःसहचार के नाम पर हो रही है ऑनलाइन ठगी। अगर आपके मोबाइल या व्हाट्सएप ग्रुप पर 3 महीने की फ्री रिचार्ज को लेकर मैसेज आ रहे हैं या फिर आपका खास दोस्त भी मैसेज भेज रहा है, उन्होंने कहा कि लिंक क्लिक किया तो चोरी हो जाएगा डाटा। इस वक्त की बड़ी खबर, टेलीकॉम कंपनियों का ही नहीं बल्कि साइबर ठगों ने एक बड़ा नया मैसेज डाइवर्ट किया है। उन्होंने कहा कि फ्री रिचार्ज के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो रही है, अब ऑनलाइन ही लालच दिया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद साइबर एक्सपर्ट ने है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई भी फ्री रिसर्च की योजना है ही नहीं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।